हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन और मैं मुकेश कुमार गुप्ता आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज से मैं आपके लिए मानचित्र अध्ययन का एक विशेष क्लास शुरू किया हूं, ताकि 2024 की होने वाली आगामी परीक्षा में आप अच्छा कर सकें। आज से हम चर्चा करेंगे मानचित्र अध्ययन का, ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है जो आपको 4 नंबर भारत के मानचित्र के संदर्भ में और 2 नंबर विश्व के मानचित्र के संदर्भ में आपको दिलाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मानचित्र। तो मानचित्र 2 शब्दों से बना है, मान और चित्र। मान मीन्स होता है माप और चित्र मीन्स चित्र, यानी किसी भी स्थिति को, भौगोलिक स्थिति को माप और चित्र के द्वारा दर्शाना। इसके लिए आपको 3 घटक के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। वह 3 घटक है दिशा, दूरी और प्रतीक। अगर आप इतना जानते हैं तो 4 नंबर आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत का मानचित्र है और हम इसके भौतिक स्वरूप को देख रहे हैं, यह ग्लोब नहीं बल्कि एक मानचित्र, एक समतल पृष्ठ पर बनाया हुआ मानचित्र है। इसमें दिशा, दूरी और प्रतीक को हमें जानना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी राज्यों की अवस्थिति को अगर जान जाएंगे तो उस भूभाग को बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे आज हमें चर्चा करना है भारत में ऊर्जा संयंत्र यानी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कहां कहां संपन्न होते हैं। तो अगर आपको मालूम है कि वह नरौरा में, तारापुर में, कैगा में, काकरापारा में, रावतभाटा और कलपक्कम में वे संयंत्र स्थापित हैं, तो फिर हमें उनके राज्यों तक पहुंचना होगा। तो हम सबसे पहले अगर नरौरा की बात करें तो नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको यहां एक स्पेस दिया होगा और लिखा होगा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। तो आपको बताना है यह नरौरा है और यह नरौरा कहां है, उत्तर प्रदेश में। अगर दूसरा जिक्र करेंगे तारापुर, तो तारापुर आपको जानना चाहिए कि यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। और जब आप महाराष्ट्र पहुंच गए तो आप तारापुर पहुंच गए, तो आप इसको दर्शा सकते हैं कि तारापुर जो है वह महाराष्ट्र के अंतर्गत अवस्थित है। अगर तीसरा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में, संयंत्र के बारे में अगर चर्चा करें तो वह है कैगा। तो कैगा को जानने के लिए इसकी राज्य की अवस्थिति आपको जानना होगा। तो कैगा कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक ठीक महाराष्ट्र के नीचे, महाराष्ट्र के बगल में गोवा और ठीक उसके नीचे कर्नाटक है। और इस कर्नाटक में ही आपका कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। तो कहेगा आपका कर्नाटक में हुआ। अगर चौथा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात करें, काकरापारा, तो काकरापारा की अवस्थिति गुजरात में है। तो आपको जानना चाहिए कि इस भारत के मानचित्र में गुजरात कहां है, तो गुजरात का यह भूभाग हुआ। अब काकरापारा गुजरात के किस दिशा में स्थित है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे कि यह गुजरात में स्थित है तो काकरापारा गुजरात हुआ। तो आप इस तरह से संबंधित स्थान को बड़ी आसानी से दर्शा सकते हैं। अगर 5वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात करें तो रावतभाटा, तो रावतभाटा अगर आप जानते हैं कि यह राजस्थान में है तो आपको राजस्थान की अवस्थिति जाननी होगी।
तो राजस्थान ये है आपका भारत के मानचित्र में। तो आपको रावत भाटा जो है वह राजस्थान में अवस्थित है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको कल्पकम ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात करना है, उसे दर्शाना है, तो आपको यह पता करना होगा कि कल्पकम ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है। तो यह आपका तमिलनाडु में है। तो आप दर्शा सकते हैं कि कल्पकम तमिलनाडु में, कल्पकम ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आप तमाम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कार्यक्रम के बारे में मानचित्र अध्ययन के अंतर्गत भली भांति उसके विशेष अवस्थिति को आप दर्शा सकते हैं और बड़ी आसानी से एक नंबर प्राप्त कर सकते हैं।